स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जून। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन, लास्ट लेसन, क्लास 12th। तो आज हम फ्लेमिंगो से फर्स्ट लेसन का थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं, जिससे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले मैं टू पार्ट दे चुकी हूँ और उससे पहले इसकी समरी भी अपलोड हो चुकी है। देन लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन। लेसन है हमारा I heard Mr. Hamel say to me। तो यहाँ इसके पहले हम कवर कर चुके थे कि वो बैठा हुआ था और मिस्टर हेमल ने उसे बुलाया और उससे पार्टिसिपल पर एक्सप्लेन करने को कहा, लेकिन वह फर्स्ट वर्ड में ही अटक गया। तभी लिटिल फ्रेंच कहता है कि I heard Mr. Hamel say to me, मैंने सुना कि मिस्टर हेमल ने मुझसे कहा। I wouldn't scold you, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मतलब वो मुझे नहीं डांटेंगे। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, मैं तुम्हें इसलिए नहीं डांटूंगा तुम क्योंकि ऑलरेडी काफी बुरा फील कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, देखो ये सब कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्स, प्रतिदिन, एवरी डे, हम स्वयं में ये कहते हैं, वाओ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास तो बहुत ज्यादा समय है सीखने के लिए। आई विल लर्न इट टुमारो, हम कहते हैं अरे कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं। आह दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अलसेस, देखो अलसेस के साथ कितनी बड़ी परेशानी क्रिएट हो गई है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हम लर्निंग को टुमारो पर छोड़ देते हैं, कल पर छोड़ देते हैं। Now those follows out there will have the right to say to you, कहते हैं कि हम सब कुछ कल पर छोड़ देते हैं और अब उन लोगों को तुमको कहने का कोई अधिकार नहीं है कि उन्होंने नहीं सीखने दिया। How it is? How is it? यह कैसे हुआ? You pretend to be Frenchman, तुम अपने आप को Frenchman कहने का बहाना करते हो, and yet you can neither speak nor write your own language, और तुम तो अपने आप को फ्रेंच कहते हो और ना तो तुम फ्रेंच बोल सकते हो अच्छी तरह से और ना ही राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को फ्रेंच कहने का भी अब कोई अधिकार नहीं है। बट यू आर नॉट द वर्स, पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन छोटे फ्रेंच, इसमें तुम्हारा ही बुरा नहीं हुआ है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विद, हम सब अपने आप को इस कार्य के लिए धिक्कार रहे हैं क्योंकि ये हम सब के साथ ही बुरा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, रीजन बताते हैं मिस्टर हेमल, कहते हैं इसमें किस किस का दोष है। कहते हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ, तुम्हारे पेरेंट्स भी अनएक्सियस नहीं थे टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए वो उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्हें तो तुमसे मिल्स में और फार्म में काम कराना ज्यादा पसंद था। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम अधिक पैसा ला सको। एंड आई, और मैं, मेरा भी दोष है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी अपने आप पर आरोप लगाना चाहिए। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your classes? क्या मैंने तुमसे क्लास में सीखने की बजाय अपने पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा? कितनी बार नहीं भेजा है, मतलब मैंने भी अपने पर्सनल कार्य तुमसे कराए हैं। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं दे देता था, छुट्टियां नहीं दे देता था? इसमें हर किसी का दोष है, केवल तुम्हारा ही दोष नहीं है। इस तरह से मिस्टर हेमल लिटिल फ्रेंड से कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनादर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। इस तरह से मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज में एक के बाद दूसरी बात फ्रेंच से करते रहे। सीइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लेरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्कयुक्त, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस,
इतनी अच्छी, इतनी साफ सुथरी है कि हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव्ड, क्योंकि जब एक पीपल राष्ट्र के लिए आया है, जब एक देश गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े होते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो वे जेल से बाहर आने की चाबी रखते हैं. मतलब अगर उनमें अपनी भाषा का ज्ञान अच्छा होता है तो वो किसी भी तरह से अपने आप को आजाद कर सकते हैं. देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, और फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें एक लेसन पढ़ाया. आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था टू सी, ये देखकर आश्चर्यचकित था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि उस दिन ये लेसन मुझे कितने अच्छे से समझ में आ रहा था. ऑल ही सेड सीम सो इजी, जो कुछ वह बोल रहे थे सब कुछ बहुत ही इजी लग रहा था. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कभी भी इतनी सावधानी पूर्वक या ध्यान पूर्वक लेसन को नहीं पढ़ा था. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और इस बात का भी आश्चर्य हो रहा था कि मैंने इतने पेशेंस से कभी इस पाठ को सीखा नहीं था. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. ऐसा लग रहा था कि जैसे बेचारा व्यक्ति, मतलब मिस्टर हैमल, जाते समय, जाते जाते हमको वो सब कुछ सिखा देना चाहते थे जो वो जानते थे, जो उनके मस्तिष्क में था वो सब हमको दे देना चाहते थे. इस तरह से उन्होंने बहुत ही ध्यान पूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को लेसन को समझाया. तो ये पैराग्राफ भी कंप्लीट होता है. हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर पढ़ने के बाद हमने लिखने का अभ्यास किया, राइटिंग का अभ्यास किया. दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमल हमारे लिए न्यू कॉपीज लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. फ्रेंच, अलसेस, फ्रेंच, अलसेस, जिसमें कहते हैं कि उनके ऊपर बड़े सुंदर बड़े लेख में लिखा हुआ था, फ्रांस अलसेस, फ्रांस अलसेस, ये लिखा हुआ था. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. जब उन्होंने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया तो पूरी क्लास में, पूरी स्कूल स्कूल की पूरी क्लास में यह रंग बिरंगे फ्लैग्स की तरह प्रतीत हो रही थी. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे डेस्क के ऊपर एक छड़ी पर झूम रही थी. यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आप देख सकते थे कि किस तरह से हर कोई वर्क पर लगा हुआ था, काम पर लगा हुआ था. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सर हर जगह कितनी शांति थी. द ओनली साउंड वॉज द स्ट्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही आवाज आ रही थी और वो थी पेन की पेपर पर स्क्रैच करने की आवाज. वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स उड़ते हुए अंदर आए. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया. उन पर हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हॉक्स, जो मछली पकड़ने के कांटों की तलाश में लगे हुए थे उन्होंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, जैसे कि वह भी फ्रांसीसी रहा हो. ऑन द रूफ द पिजन्स कूक्ड वेरी लो, छत पर कबूतर बहुत ही धीमे धीमे कूइंग कर रहे थे, गुटरगूं कर रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो उन्हें जर्मन वासी इसको भी, कबूतर को भी जर्मनी भाषा में गाने को कहेंगे. इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गवाएंगे. अपने मन में ये उपहास करते हुए मैंने ऐसा सोचा. नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा, व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर
and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब मैंने अपना काम समाप्त किया या लिखते समय जब मैंने ऊपर को देखा तो मैंने देखा कि मिस्टर हैमल मोशनलेस गति रहित चेयर पर बैठे हुए थे और एक कभी एक वस्तु को कभी दूसरी वस्तु को घूर रहे थे। इस तरह से देख रहे थे कि मानो वे हर वस्तु की याद को अपने मन में बसाना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, देख रहे थे वो कि किस तरह से इस छोटे से क्लासरूम में स्कूल रूम में ये वस्तुएं कैसी लग रही हैं, फैंसी कल्पना कर रहे थे। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल तक वो इसी स्थान पर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट, 40 साल से उनके खिड़की के बाहर ये बगीचा और उसके साथ और घर के सामने ये क्लासरूम उसी प्रकार था। Only the desks and benches had been worn smooth. केवल desks और benches घिस गई थीं। The walnut tree in the garden were taller. और जो walnut tree था बगीचे में वो लंबा हो गया था। And the holbein that he had planted himself twined about the windows to the roof. और उन्होंने जो holbein लगाई हुई थी उसकी टहनियाँ उसकी खिड़की की छत पर फैल गई थीं। How it must have broken his heart to leave it all, poor man. Little friend सोचता है कि बेचारे मिस्टर हैमल के हृदय में कितना दुख हो रहा होगा, उनका दिल टूट गया होगा। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. सोच रहा था कि उनका मन कितना दुखी हो रहा होगा और वे अपनी बहन को कमरे की ऊपर सामान पैक करते हुए जो आवाज आ रही थी उसको सुन रहे थे, क्योंकि अगले ही दिन दे मस्ट लीव द कंट्री, उन्हें इस देश को छोड़ना था। तो इस तरह से लिटिल फ्रेंड महसूस करता है कि मिस्टर हैमल कैसा महसूस कर रहे होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें प्रत्येक लेसन को पूर्णता के साथ सुनने का बहुत ही साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लिखने का काम पूरा करने के बाद हमने हिस्ट्री का लेसन पढ़ा। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री का लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बा बी बो बू, इस तरह से छोटे बच्चों ने उच्चारण किया बा बे बू, जैसे हम आ आ ई ई ऊ ऊ करते हैं इसी तरह से इसको उच्चारण करवाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉर्सर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग देयर हिज प्रिंटर इन बोथ हैंड्स, कमरे के पीछे बैठे हुए ओल्ड हॉर्सर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपना स्पेक्टिकल्स पहन लिया, चश्मा पहन लिया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से अपने प्राइमर को उठाते हुए पोथी को लिए हुए स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ लेटर्स में उसका उच्चारण कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे और उनकी जो आवाज थी ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावनाओं के साथ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और आपको यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हम सबको एक ही साथ हंसाया या रुलाया जा रहा था, हम सब एक साथ हंस रहे थे और रो रहे थे। आई हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, कहता अरे वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है, अभी भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। लास्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी गिरजाघर की घंटियों ने 12 बजाए। देन द एंग्लस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उसी समय जो एंग्लस थे कैथोलिक थे
उनकी पूजा की घंटी भी बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस, और उसी समय प्रूशियंस की ट्रम्पेट्स बजी, बिगुल बजा। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर अवर विंडोज, और हमारी खिड़की के नीचे आवाज कर रहे थे। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो गए। वेरी पैल, बहुत ही पीले थे, उदास थे। इन्हें चेयर मुरझाए हुए अपनी कुर्सी में जो बैठे थे उठ गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी भी उन्हें इतना दुखी नहीं देखा था। यहाँ पर टॉल्स बर्ड आया है, इतना लंबा, जैसे हम कोई दुख में बहुत ही दुबला सा लगता है, हताश सा, ऐसा हताश कभी नहीं देखा था मैंने पहले। माय फ्रेंड सैड ही, उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, आए, बट समथिंग चोक्ड हिम, कुछ बोलना चाहा लेकिन उनका गला रुंध गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत एकत्रित करते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा जितने वो लिख सकते थे। वी वे ला फ्रांस, उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा। वी वे ला फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, और फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार से अपना सिर लगाकर खड़े हो गए। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना कुछ कहे उन्होंने अपने हाथ से एक भाव व्यक्त करते हुए इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हो गया है, या स्कूल को हमेशा के लिए समाप्त किया जाता है। यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है। तो आपने इस लेसन का पूरा टेक्स्ट पढ़ा, जिसमें लिटिल फ्रेंच का ये लास्ट लेसन, जिसमें उसने फ्रेंच को इतनी अच्छी तरह से सीखा जितना उसने कभी नहीं सीखा था, क्योंकि यह उसका लास्ट लेसन था। लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने लेसन को कंप्लीट करें, और इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। इस चैनल पर आपका क्लास का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, तो अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।